दोस्तों, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम तो सबने सुना होगा। दुनिया की सबसे बड़ी दीवार जो 20,000 किलोमीटर के लार्ज एरिया में फैली हुई है। पर क्या आपने कभी 3700 किलोमीटर तक फैली हुई ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के बारे में सुना है? जी हाँ, ब्रिटिश काल में बनी एक ऐसी दीवार थी जिसने इंडिया को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया था, जो एक तरफ ब्रिटिशर्स के लिए पैसा कमाने का जरिया थी तो दूसरी तरफ भारतीयों के लिए बन चुकी थी जुल्म की दीवार, जिसने उनका उनके ही देश में जीना मुश्किल कर दिया था। इस दीवार ने भारतीयों को उन्हीं के ही देश के नमक से दूर कर दिया था। पर जिस दीवार का यहाँ जिक्र किया जा रहा है, वो दीवार आखिर कौन सी है, कहाँ बनी थी, और अगर ये इतनी ही फैली हुई थी तो अब कहाँ गई, क्या है इसके पीछे के राज, इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में जरूर जानने को मिलेंगे। देखिए, जिस ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात की गई है, उसे अक्सर द ग्रेट हेज या फिर इंडियन सॉल्ट हेज के नाम से जाना जाता है, जिसे 1840 के दौरान ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। इस हेज को बनाने का मकसद ये था कि भाई, नमक पर टैक्स लगाकर भर भर के पैसा कमाना। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने जमीन और चीनी जैसी बहुत सी चीजों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। पर ये चीजें उस वक्त पर किसी के पास नहीं होती थी, तो उन्होंने सोचा कि किसी ऐसी चीज पर टैक्स लगाया जाए जिसे पूरे इंडिया के लोग हर रोज इस्तेमाल करते हो। एक ऐसी चीज पर टैक्स लगाने से उनकी खूब कमाई होने वाली थी। अब सोच विचार किया जाने लगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसका इंडियंस जो है सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और ये सोचते सोचते फाइनली ब्रिटिशर्स को इस सवाल का जवाब मिल ही गया और उन्होंने नमक पर टैक्स लगाना शुरू किया। दरअसल, नमक पर टैक्स लगाने का रूल इंडिया में सदियों से चला आ रहा है। मुगल एम्पायर के दौरान भी इंडिया के कुछ हिस्सों में नमक पर टैक्स लगता आ रहा है, पर जिस लेवल तक ब्रिटिशर्स ने इस टैक्स को इम्पोज किया उतना शायद ही किसी ने पहले किया हो। इंडिया के अलग अलग एरियाज के लिए इस टैक्स की परसेंटेज अलग अलग थी, पर हर जगह ये अमाउंट इतना ज्यादा था कि इसकी वजह से सॉल्ट का प्राइस भी बढ़ने लगा और इंडियंस के लिए नमक जैसी बेसिक नेसेसिटी एक लग्जरी बन गई। अब देखिए, सिर्फ अमीर लोग ही इस लग्जरी को अफोर्ड करने के काबिल थे। सॉल्ट के रेट्स तो इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि कम इनकम वालों को तो अपनी एनुअल इनकम का लगभग 15-20% हिस्सा सॉल्ट खरीदने के लिए यूज करना पड़ता था। इसलिए धीरे धीरे काफी सारे लोगों ने इसे रोजाना यूज करना ही बंद कर दिया। बताया जाता है भाई कि नमक खाने में स्वाद के साथ साथ हेल्थ को ठीक रखने के लिए भी जरूरी होता है, पर उस वक्त अफोर्ड ना कर पाने की वजह से बहुत लोगों को तो नमक की कमी से होने वाली दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था। इंडिया की पुअर और वर्किंग क्लास पॉपुलेशन में डायरिया, दौरे और दिल की बीमारियां बहुत ज्यादा देखने को मिलने लगी। लाखों लोगों ने उस वक्त अपनी जान गंवा दी, पर उन सब की मौत का कारण जानने की किसी ने कोई कोशिश नहीं की। अब इसी वजह से लोगों को न सॉल्ट डेफिशिएंसी के साइड इफेक्ट्स का पता चल पाया और ना उन्होंने टैक्स का विरोध किया। दरअसल, इस पूरी कहानी की शुरुआत 1759 में हुई, जब ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैलकटा पर अपना कब्जा कर लिया था। उस वक्त उन्हें वहां पर सॉल्ट बनाने के बारे में पता लगा और वहां का सॉल्ट दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने सॉल्ट की ट्रांसपोर्टेशन पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो बंगाल, बिहार और ओडिशा से आने वाले सभी रेवेन्यूज को कंट्रोल करने लगे। वहां बने सॉल्ट को उन वेयर हाउसेस में भेजने के ऑर्डर्स पास किए गए जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। दुकानदार अब बस उन्हीं वेयर हाउसेस से ही सॉल्ट खरीद सकते थे जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। अब ये सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लीव बिना कंपनी को बताए हुए अपने ही फायदे के लिए कर रहे थे। पर जब कंपनी के ऑफिशियल्स को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने ये सारा कंट्रोल रॉबर्ट के हाथों से छीन कर कंपनी को दे दिया। कंपनी ने अब सॉल्ट ट्रेड से पैसा कमाने का एक नया तरीका सोचा। रूल बनाया गया कि भाई, अब खुद कंपनी जो है फार्मर्स को सॉल्ट फैक्ट्रीज लीज पर देगी और इसके बदले फार्मर्स को उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना होगा। इस अमाउंट को बिडिंग के जरिए तय किया जाने लगा। सॉल्ट के बिजनेस में उस वक्त अच्छा प्रॉफिट होता था, इसलिए फार्मर्स अच्छी खासी कीमत पर फैक्ट्रीज लीज पर लेते और कंपनी इसी के जरिए पैसा कमाने लगी। कुछ वक्त तक कंपनी इसी तरीके से सॉल्ट प्रोडक्शन से पैसा कमाती रही, पर जितना सोचा गया था कंपनी को उतना प्रॉफिट हुआ नहीं। इसलिए अब वही तरीका अपनाया जो पहले रॉबर्ट क्लीव ने अपनाया था, यानी सॉल्ट के ट्रांसपोर्टेशन पर टैक्स। अब कंपनी ने ये टैक्स कैसे लगाया, ये सब भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए, ये वीडियो कोलैबोरेट की गई है तो आर्टेरियम के साथ, एक ऐसी वेबसाइट जहां आपको अपने घर को सजाने के लिए एक से बढ़कर एक डिजाइन की हाथ से बनी मूर्तियां मिलती हैं और वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, इसी में से एक माइटी ईगल जो स्ट्रेंथ
करेज और फ्रीडम का सिंबल है। इस ईगल को आपके लिए एक बड़ी बारीकी और फिनिशिंग के साथ तैयार किया गया है। प्रोडक्ट पसंद आया हो तो इसे खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हाँ, कूपन कोड Mystica10 पर आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। चलिए वापस आते हैं अपनी कहानी पर। देखिए, साल 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सॉल्ट के पूरे बिजनेस को एजेंट्स के जरिए कंट्रोल करने का सोचा। लोग एक फिक्स्ड प्राइस पर अपने सॉल्ट को इन एजेंट्स को बेचते, जो आगे मार्केट में इसे सेल करते। शुरुआत में सॉल्ट पर टैक्स 2 रुपए पर माउंट के हिसाब से वसूला जाता, जिसे बाद में बढ़ाकर 3.25 रुपए पर माउंट कर दिया गया था। हर स्टेट के लिए इस टैक्स का रेट अलग अलग था। ऐसे में जो स्टेट्स कम टैक्स पे कर रही थीं, वहीं सॉल्ट थोड़ा कम रेट पर खरीदकर स्मगल करके उन स्टेट्स में ले जाया जाने लगा, जहां टैक्स की वजह से सॉल्ट के प्राइसेस हाई थे। अब इतने हाई टैक्सेस की वजह से पुअर और मिडिल क्लास इंडियंस के पास और क्या ही चारा था। पर ब्रिटिश सरकार को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने स्मगलिंग को कम करने और अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करने के लिए बंगाल में हर जगह चेक पॉइंट्स लगा दिए और हर जगह फिजिकल बैरियर्स बनाने का सोचा। इंडस वैली से लेकर ओडिशा तक एक हेज बनाया गया, जिसने इंडिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। शुरुआत में तो ये सोचा गया था कि इस हेज को छोटे छोटे पैचेस लेकर बनाया जाएगा, पर फिर कोई भी वायलेशंस को रोकने के लिए 2500 किलोमीटर के एक बड़े एरिया को कवर करते हुए कांटों और झाड़ियों की मदद से एक हेज बना दिया गया। पर इस टेम्परेरी स्ट्रक्चर को बीच बीच में कई जगहों पर या तो जानवर या फिर सॉल्ट स्मगलर्स डैमेज कर देते थे। इसलिए ब्रिटिशर्स ने इस काम के लिए एक लाइव हेज तैयार करने का सोचा, जिसे नाम दिया गया भाई इंडियन सॉल्ट हेज। इसे लाइव हेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे प्लांट से बना था जो ग्रो कर रहे थे। पहले तो इस हेज को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह बनाने का सोचा गया, पर क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इसे बनाने के लिए ज्यादा पैसा नहीं था, इसलिए कैक्टस और कुछ और कांटेदार पौधों की मदद से ये हेज तैयार किया जाने लगा। ये पौधे कम पानी में भी ग्रो कर जाते और इनकी कुछ खास मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़ती। कुछ ही महीनों में ये प्लांट्स इतने डेंसली ग्रो होते चले गए कि इंसानों के लिए इसे पार करना ही इम्पॉसिबल था, तो स्मगलिंग करना तो दूर की बात थी। बताया जाता है कि इस हेज की हाइट करीब 14 फीट और थिकनेस करीब 12 फीट थी। इसके पास हर थोड़ी दूर पर एक कस्टम ऑफिस बनाया जाता था, ताकि बॉर्डर पर सॉल्ट ले जाने पर टैक्स कलेक्ट किया जा सके। हालांकि शुरुआत में इस लाइन को दिल्ली, आगरा और बंगाल तक सीमित रखा गया था, लेकिन 1869 आते आते इसे पंजाब तक बढ़ाया गया और ये करीब 4000 किलोमीटर तक फैल गई। यहां तक कि ओडिशा से लेकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा तक ये दीवार फैली हुई थी, और इसके चलते भारत 2 हिस्सों में बट चुका था। आलम तो ये था साहब कि 1879 तक जब कोई भी भारत आता तो वो ईस्ट और वेस्टर्न हिस्से में इस तरह का डिवीजन देखकर चौंक जाता। उसे देश के पश्चिम हिस्से से पूर्व में तराई क्षेत्र में जाने के लिए बबूल की घनी झाड़ियों से गुजरना पड़ता। कर्नाटक और दूसरे क्षेत्रों के करीब मौजूद इन झाड़ियों को पार करना तो और भी मुश्किल था। ऊपर के रास्ते में पुलिस चौकी और कस्टम के अधिकारी इसे 2 गुना मुश्किल कर देते। ले देकर अगर कोई आदमी नमक लेकर जा रहा होता तो उसका अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि नमक का कतरा मिलने पर ऑफिसर्स एक भारी टैक्स लोगों पर थोप देते और बिना इसे चुकाए उन्हें आगे बढ़ने की परमिशन नहीं मिलती। कमाल की बात तो ये थी कि इस दीवार को बनाने के लिए अंग्रेजों ने ड्राई और ग्रीन दोनों तरह के श्रब्स का इस्तेमाल किया था। उस पर भी अगर किसी इलाके में ये श्रब सूख जाती तो वहां पर पत्थर की दीवार खड़ी कर दी जाती। और एक वक्त तो ऐसा भी था जब यहाँ मौजूद चौकी में 12,000 लोग काम करते थे और इन चौकी को मेंटेन करने की कॉस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को 2 लाख के करीब आती थी। इतने बढ़ते खर्चों के चलते बाद में इनकी संख्या को घटाकर 8,000 कर दिया गया, लेकिन इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अब देखिए, दरअसल इस दीवार को बनाया तो तस्करी को मिटाने के लिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गईं और तस्कर जो हैं खुलेआम तस्करी करते रहे। जबकि असल प्रॉब्लम तो व्यापारियों को आती थी जो रेस्ट्रिक्शंस के चलते माल वक्त पर नहीं पहुंचा पाते थे। दरअसल होता ये था कि आम लोग कस्टम अधिकारियों से छोटा मोटा काम करवा के उन्हें घूस देते थे और चुपचाप बाउंड्री को पार भी कर लेते थे। नमक तो छोड़िए साहब, यहाँ से अब तो नशे की चीजों की भी तस्करी हो जाती थी, जबकि इस लाइन का असली खामियाजा बंगाल के गरीब लोगों के सर पर पड़ रहा था। इस बाउंड्री से वहाँ खाने पीने की चीजों में भारी कमी हो गई थी। लोगों में न केवल कुपोषण फैल रहा था, बल्कि हजारों लोगों की मौत हो गई थी।
इसके अलावा कई जानवरों की आवाजाही में भी मुश्किलें होने लगी थी, जिससे जंगल का ही वातावरण बिगड़ने लगा। ऐसे में ले देकर 1 अप्रैल 1879 को ब्रिटिशर्स ने खुद ही इस बाउंड्री सिस्टम को खत्म कर दिया और इसी के साथ इन श्रब्स और दीवारों को भी तोड़ा गया। इसके बाद जब देश आजाद हुआ तो नमक का ये कर भी हटा लिया गया। अब सवाल ये आता है कि जब इस दीवार को पूरी तरह हटा लिया गया था और ये सिस्टम भी खत्म हो गया था, तो हमें कैसे इस लाइन के बारे में पता चला? तो आपको बता दें कि आज इसके नामो निशान तो नहीं मिलते, लेकिन रॉय मॉक्सहैम नाम के एक इंग्लिश राइटर की किताब द ग्रेट हेज ऑफ इंडिया में इसका अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन जरूर मिलता है। ये किताब बताती है कि सच में भारत में एक ऐसी दीवार एग्जिस्ट करती थी जिसके आज नामो निशान इसलिए नहीं है क्योंकि शायद रेलवे बिल्ड करने के लिए इन्हें काट दिया गया। मगर इटावा में इसका एक छोटा सा पैच इसकी एग्जिस्टेंस पर ठप्पा लगा देता है। अब आप हमें बताइए कि क्या आपको इंडिया की इस ग्रेट हेज के बारे में पता था? अगर हाँ तो हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ये भी ना भूलें।